जनाब सदर रौनक अफरोज, उलमा और दानिश्वर हजरात और हाजरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों का ये शौक, ये जज्बा देखकर जी चाहता है कि घंटों बात की जाए, लेकिन बहुत से मेहमानों को आपको सुनना है। इस वक्त मेरी हाजिरी और मेरी मौजूदगी को मेरी ताईद और हिमायत समझें कि मुल्क के इत्तेहाद, मिल्लत के इत्तेहाद में जहाँ जिस वक्त जैसी ज़रूरत पेश आएगी, इंशाल्लाह तौकीर नहीं बल्कि पूरी बरेली आपके साथ नज़र आएगा। और मैं बरेली की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरी बरेलवियत की बात कर रहा हूँ। और बरेली ने हमेशा इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम दिया है। अपने मुल्क की वफादारी का पैगाम दिया है, मोहब्बतों का पैगाम दिया है, लेकिन कुछ फिरका परस्त ताकतें और हमारे मुल्क की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के इत्तेहाद में रखना अंदाजी पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैं देख रहा हूं कि किसी ने जुर्म किया, उसको जुर्म मान लिया गया, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया, जब जुर्म मान लिया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। लेकिन सरपरस्ती की जा रही है इसलिए कि उसने मुल्क का नुकसान नहीं किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों की दिलासारी किया है, तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, इस अन्याय के खिलाफ। और मैं मुसलमान भाइयों से नहीं, मैं देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र, याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी, जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, हनुमान चालीसा तुमने हमारी मस्जिदों के आगे पढ़ा, हमने सब्र किया। हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ो,
जय हनुमान जानमोहन सागर पढ़ो, हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा। लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। हमने बर्दाश्त किया क्योंकि हम अमन पसंद है, अपने देश में अमन चाहते हैं। तुमने हमारी मस्जिदों के मीनारों पर भगवा लहराया, जबरदस्ती की, हमने सब्र किया, हमने जवाब नहीं दिया। बताओ ठीक है कि गलत है? हमने कभी जवाब नहीं दिया, सब्र करने वाले हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमने तुम्हारी हर बेईमानी, हर जुल्म, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया। तुमने खुद बम मारे, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। मैं ये पूछता हूं कि वो जो बम पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले फूटा करता था, वो बम आज कहां गायब हो गया? अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। तो तुम्हारे अपने बखिये उधड़वाने से बेहतर यह है कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलाजारी करने का काम किया है, हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, ना हम कभी उन्हें बुलाने गए कि आओ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। आज वो खुद मजबूर हुए हैं आने के लिए क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। और रसूल हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर मुल्क में अमन अमान चाहिए, ज्यादा तवील गुफ्तगू मेरे ख्याल से नहीं हो रही है, मेरा टाइम हो गया। नहीं, ज्यादती नहीं होनी चाहिए, जो निज़ाम बनाया गया है उस निज़ाम के मुताबिक काम होना चाहिए, और जो एजेंडा तय किया गया है उस एजेंडे के मुताबिक गुफ्तगू की जानी चाहिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन का भी बहुत बड़ा मजमा है, और मैंने भी बरेली में 17 तारीख को, यहाँ मैं सद्भावना के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ कि बरेली में मैंने जुमे को 10 जून को अपना प्रोग्राम रखा था एहतजाज का, लेकिन 10 जून को गंगा दशहरा हिंदू समाज का एक बड़ा त्यौहार है, बड़ा प्रोग्राम होता है, तो हमने ये सोचा कि असल में लड़ाई तो आस्था की है, अगर उन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, हम बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो कम से कम हम उनकी आस्था का ख्याल कर लें। हमारा दिन फिक्स नहीं है, हम जुमेरात को भी कर सकते हैं, इतवार को भी कर सकते हैं। एहतजाज करना है, नरेंद्र मोदी को बताना है कि तू बेईमानी कर रहा है, इस बेईमानी को तर्क करते। तो हमने अपना प्रोग्राम के हिंदू समाज की महिलाएं भी निकलेंगी, बच्चे भी निकलेंगे, बूढ़े भी निकलेंगे, ऐसे माहौल में अगर हमारे गम गुस्से से भरे हुए नौजवान निकलेंगे तो हालात कहीं ना कहीं कशीदा हो सकते हैं। तो हमने एकता और भाईचारे का पैगाम देने के लिए अपनी 15 दिन की मेहनत को ज़ाया किया, और हमने कहा कि हम जुमे को प्रोग्राम नहीं करेंगे ताकि इन हिंदू भाइयों का प्रोग्राम आसानी से हो जाए। ये हमारा मिजाज है, क्योंकि हम जानते हैं इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी का जवाब भी तुम्हें देना आता है और दे सकते हैं, लेकिन हम देना नहीं चाहते क्योंकि हम अपने देश में अमन रखना चाहते हैं। और अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो, अगर तुम अपने देश के गद्दार नहीं हो, तो तुम्हें भी
अमन का साथ देना चाहिए, भाईचारे का साथ देना चाहिए, इत्तेहाद का साथ देना चाहिए। मुसलमानों से नफरत करने का मतलब यह है कि तुम अपने देश से नफरत करते हो, अपने देशवासियों से नफरत करते हो। हम तो इस देश का हिस्सा है। मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान दौड़ता है, गली गली में मुसलमान पाया जाता है, और मुसलमान की रग रग में हिंदुस्तान खून बनकर दौड़ता है। तो मुसलमान को हिंदुस्तान से अलग नहीं किया जा सकता, और हिंदुस्तान से मुसलमान को अलग नहीं किया जा सकता। तो जो हमें सताने का काम करता है, ये समझ लेना कि असली देशद्रोही वही है। इन देशद्रोहियों का तमाम हिंदू मुसलमानों को मिलकर मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला करना है, और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, और अपने मुल्क को बिकने से बचाना है, बर्बाद होने से बचाना है। हम अपने देश से प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों से हमें उतनी ही नफरत नहीं है जितना हमें अपने देश से प्यार है। हम भारतीय जनता पार्टी वालों के खिलाफ इसलिए नहीं आए कि वो मुसलमानों से दुश्मनी करते हैं, बल्कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए आए कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आप लोगों के दरमियान हाजिरी होगी। यहाँ ख्वातीन का बहुत जमावड़ा है। एक बात मैं हर जगह कहता हूँ, और इतनी इस्लाह मैं अपने उलमा जो ज़िले ज़िले जाते हैं, एक तो ये कि ये हमारे उलमा जब सफ़र पे निकलते हैं, हिंदुस्तान का माहौल आपने देखा है कैसा है, इन्हें किन किन नफरत भरी निगाहों से गुजरना पड़ता है। तबलीग दीन के लिए जाते हैं और नफरतों से गुजरना पड़ता है, इसलिए नहीं कि ये दाढ़ी वाले टोपी वाले हैं, बल्कि इसलिए कि आम तौर से मुसलमान अपनी शनाख्त छुपा के घूम रहा है। मुसलमान हो तो मुसलमान नजर आना जरूरी है, मुसलमान बन के रहना जरूरी है, मुसलमानों जैसे अमाल जरूरी हैं। स्पेशल अटेंशन भी चाहिए कि हमें मुसलमानों जैसी इज्जत हो, और अमाल तुम्हारे ये हैं कि जो बेईमानों के अमाल हैं वो तुम्हारे अमाल हैं। ख्वातीन हजरात से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मोबाइल बेशक हमारी ज़रूरत बन गई है, आज वक्त की ज़रूरत है, मोबाइल के बगैर काम नहीं चलता है, लेकिन अपने टीनेजर्स बच्चों को, कम सिर्फ बच्चों को मोबाइल देना अगर ज़रूरी है, लैपटॉप देना अगर ज़रूरी है, तो इतना ज़रूर करो कि उसमें उन बच्चों को पासवर्ड मत डाल दे दो। कम से कम हफ्ते में एक दो बार उनके मोबाइल को, उनके लैपटॉप को चेक ज़रूर करो, क्योंकि हमने देखा है बहुत से हमारे पास ऐसे वाकयात और ऐसे मुकदमात आते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि माँ बाप ने अगर अपनी बच्चियों को मोबाइल न दिया होता तो शायद ये दिन देखना नसीब ना होता। मोबाइल कान के ज़रिए अजान हो रही है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।